एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों, यू आर प्रो। तो आज मैं, ठीक है, आज है 1 अप्रैल, ठीक है, अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। ये करने नहीं आई हूँ, मतलब मेरे साथ बड़ा अच्छा चीज हुई है। जैसे देखो, मैंने बता रखा है कि मैं बैंक में वर्क करती हूँ, तो 31st को क्लोजिंग है, तो चलो बुला लिया, ठीक है। हमारा वैसे भी इतना कोई काम नहीं था खास, लेकिन मतलब जिन बड़े लोग, थोड़ा बड़े लोगों का काम होता है, हमारा नहीं होता ज्यादा, तो उन लोगों ने काम किया, ठीक है, हमने थोड़ा सा बैठ गए। 1 तारीख को आज छुट्टी होनी ही चाहिए वाली बात थी, तो उसमें भी ऐसा हो रहा था कि बुला लेंगे नहीं बुलाएंगे, बुला लेंगे नहीं बुलाएंगे। तो आज अब जब छुट्टी मिल गई है, तो हमें तो बड़ी, भाई मैंने कहा क्या, क्यों मिलती है मेरे को छुट्टी, मेरे को छुट्टी मिलती है भाई साहब बस वीडियोज बनाने के लिए। क्योंकि मैं जैसे ऑफिस वाले डेज में तो फिर मेरा मन नहीं करता, थक जाती हूँ, ऊपर से मुझे अप डाउन भी इतना दुनिया भर का करना होता है, ठीक है। तो ये सब मैं अपनी क्यों पुरानी हिस्ट्री अपने आप लोगों के सामने ला रही हूँ, क्योंकि मेरे को मजा आता है वीडियो बनाने में, लेकिन जब मैं पूरी फ्रेश हूँ तो आज मैं साला ना, आज मैं यार नहा धो के वीडियो बनाने आ गई हूँ, तो ऐसा लग रहा है पूरा अच्छा खासा दिन है मेरे पास काम करने का। काम ही है एक तरह से, ये भी काम ही हुआ, लेकिन ये क्या है, मजे के साथ काम है, ठीक है। तो आ जाओ जरा, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, बहुत दिन से वो सुन रही थी मैं, गॉड डैम सॉन्ग भाई, करण औजला एंड बादशाह। तो मैं बता दूं, मैंने बादशाह के गाने पे ऐसे तो मैं रिएक्ट करती नहीं ज्यादा, ऐसा नहीं कि मेरे को मजा नहीं आता, अच्छे नहीं है, बहुत टाइम से मैंने कौन सा इनका पहले इनका बीच मतलब कोई गाने आए होंगे तो मैंने रिएक्ट किया नहीं है, पिछले एक साल में कोई गाने ऐसे कोई रिएक्ट मैंने किए नहीं है। हनी सिंह के मैं कर देती हूँ रिएक्ट, अब इसमें कोई ऐसा क्लैश वाली बात नहीं है कि तुम्हें इसका गाना पसंद है उसका गाना पसंद है, ऐसा नहीं है, मैंने रिएक्ट ही नहीं किया इस चैनल में। देखना बादशाह के गाने पर शायद कोई हुआ होगा कुछ ऐसा काम, पर आज आया है मौका, क्योंकि करण औजला के गाने में मैं रिएक्ट करती रहती हूँ। करण औजला प्लस बादशाह का जो कॉम्बिनेशन आया, किस तरह का गाना निकला है, लोगों ने बहुत कमेंट में लिखा था कि इस पर रिएक्ट करो, तो आज आ रही हूँ। थोड़ा लेट हूँ, पर आप लोगों का साथ है तो शेयर मार के आप लोग कहीं पहुंचा सकते हो, ठीक है, लेट इंसान को भी ट्रेंडिंग में ला सकते हो। अब ट्रेंडिंग वेंडिंग तो बहुत छोटा मुंह बड़ी बात होगी, पर देखो कहां तक ले जाते हो। आओ जरा स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बोल दिया। इट्स माई बॉय बादशाह, क्या बोलते हैं वो तो कुछ भी बोल दी। शुरू करें, 1 2 3 एंड 2, ठीक है, लहंगे में स्नीकर्स शूज। शर्दी है माफ जी में सोना न करो, बस देखी चाहिदा दवाना न करो, ਨਖਰੇ ਨਵਾਬੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਲੱਗਦੀ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਦਵਾਈ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗਦੀ ਸੈਟਰਡੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਟ੍ਰਿਪ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਨਖਰਾ ਨੀ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾਰਡਨ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੀ ਨਾ ਟੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਗਾ ਦੇ
हाय मथे उत्ते बिंदी नहीं दर्शन दिंदी नहीं दूरों देखे बारियां विच्चों करती सवारियां नी चढ़दी चुबारे पौड़ी उतरे फरारियां विच्चों नखरे दिखाउंदी मैं कह किन्ने नखरो इदा ना करो कहिंदी उदा ना करो अकड़े दिखाउण विच यार वी परो मैनू लगदी स्पेन तों ते सुणिया फिरो ओए दिखा ना कीदा जवानी दी छुरी आके पुहाड़ा कोई छड्डू अज कुड़ी काला सूट पाया वाली लगदी है कैं सूट की बात होनी चाहिए मजा नहीं आता। थोड़ा सा एक जोन वो भी है ना कि वही चार लाइन अच्छी है लेकिन चार लाइन अच्छी होती है वो लेकिन अगर वो बार बार रिपीट होने जाती है मजा नहीं आता। सकता है कि पूरे गाना बस चार लाइन से चल रहा है क्या? नहीं। तो ये गाना 2:46 का है लेकिन अच्छा खासा उसमें पूरी तरह से अंतरे हैं, अंतरा है ना। और मेरे को देखो पंजाबी उतनी समझ में तो आती नहीं है, अभी इसके सबटाइटल भी ऑन नहीं है तो मैं सबटाइटल के साथ जब सुनूंगी तब तो मेरे को पूरा 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 पकड़ में आ रहा होगा। अभी क्या था टूटा टूटा पकड़ में आता है, कुछ कुछ वर्ड्स पकड़ में आते हैं तो मैं सोचती हाँ हाँ वाह लाइन क्या वाह लाइन है। मतलब आया कोई घर में आया आया आए कोई वीडियो बनाने के बीच में। हाँ तो सुनो ऐसा वाली बात हो जाती है कि 60-40 वाली बात हो जाती है कि बहुत सारी लाइन्स पकड़ में आ रही होती है बहुत सारी नहीं आ रही होती है क्योंकि थोड़ा सा है लैंग्वेज प्रॉब्लम अपनी उसका
तो लेकिन मैं इसको विद सबटाइटल भी सुनूंगी, क्योंकि इसमें तो सबटाइटल नहीं है, लेकिन अभी वीडियो देखने का मजा आ रहा है, क्योंकि वीडियो में भी ना दोनों की वाइब बहुत अच्छी लग रही है, जरा जरा से एक्शंस, जरा जरा सी चीजें, और सिर्फ वो ग्रूव करना म्यूजिक पे जो होता है वो वाली चीजें, और स्मार्ट अच्छे लग रहे हैं, बादशाह भी भैया पतले लग रहे हैं, और करण औजला जी बहुत बेहद खूबसूरत अपनी अदाएं पेश कर रहे हैं। तो आ जाओ कुड़ी दिल्ली विच रहिंदी ओदी सारियां फ्रेंडा जट्टियां, एक बारी दस दे तू मंगदी है की आई कैन मेक स्नो बेबी कर ला तुस्की, कलाकार जेड़े तेरे पीछे उना तो ये फोर्ड ने होने मित्रा दे फीचर दे फी स्किन जीन्स ओ साइज ओरी आके पुआड़ा कोई जट्ट वज गुड़ी ए पी ए गुट ते देखदी ना टाइम मजा आया। मैं एक तो आज इतने अच्छे मूड में हूँ, चलो नहा दो के एनर्जी, अलग ही एनर्जी आती है भैया वीडियोस बनाने में। अब तुम पूरे थके हारे दिन के बाद बनाती हो जैसे वीडियोस, वो अलग बात हो गई। अभी मैं सिर्फ उठ के सीधे सिर्फ वीडियो बनाने आई हूँ, मतलब उठ के नहा के फ्रेश होके सब कुछ करके वीडियो बनाने आई हूँ, तो बाप रे अलग ही मजा, अलग ही सुकून आ रहा है। ऊपर से गाना बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे नहाने से मजा ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही फ्रेश हूं तो बस मुझे हर कुछ भी अच्छा लग जाएगा। गाना बहुत तगड़ा है, गाने में स्वैग बहुत तगड़ा है, गाने में बहुत अच्छी सी पार्टी वाली वाइब आ रही है, गाने में नाचने की वाइब आ रही है, गाने में खूबसूरती तो भर भर के बिखेरी है। दोनों ने अच्छे लग रहे हैं यार, दोनों बढ़िया लग रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि बादशाह तो अच्छे खासे थोड़े हैवी थे, तो अपना पूरा वेट लॉस होकर बढ़िया बन गए हैं। करण औजला जी बहुत ही बेहद बताई रखा है, ठीक है, इतनी बार बोल के नजर नहीं लगाते हम, ठीक है, वो लग रहे हैं। और वो जो स्किप वाली लाइन थी, वो लाइन मैंने सुनी थी, क्या कहता है, इंस्टाग्राम में सुनी ली होगी, क्योंकि गाना तो 12 दिन पहले आया ना, अब कहीं ना कहीं पे से कुछ ना कुछ लाइन तो ऐसी आई जाती है जो सुन लेते हो, तो उस लाइन को सुना था मैंने, और मेरा मन कर रहा था कि मैंने सोचा आज अगर पहली बार उठाऊंगी तो गॉड डैम सॉन्ग उठाऊंगी, तो मेरी तरफ से गाना हिट हो गया। मेरे को अब इसको हिट होने में मेरे को क्या टाइम लगा कि मेरे को बार बार सुनना पड़ेगा, हर एक लाइन समझनी है, क्योंकि मैं साफ साफ बता दे रही हूँ कि मेरे को इतना तो प्रॉपर ऐसा नहीं आया कि मैं उसे रिपीट कर सकूँ और मेरे को बिल्कुल समझ में आ रहा है, लेकिन 70% तक गाना समझ में आ रहा है, तो मज़ा आया। और अगर आप लोगों को मेरे साथ कुछ भी रिएक्शन देखना पसंद आता है, कुछ भी अच्छा लगता हो, ठीक है, तो लाइक मारना है, शेयर करना है, और फैलाना बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक ऑडियंस हूँ, बस एक चैनल खोल के बैठ गई हूँ, और आप लोग जो बैक स्टेज कर रहे हो गाना सुन के, वो मैं बस कैमरे के सामने कर देती हूँ, क्योंकि मज़ा आता है भैया। अब किसी किसी के लिए ओवर रिएक्शन हो सकता है, तो मैं हूँ ओवर एक्साइटेड इंसान, मेरे 150 रुपये काट दो एक्टिंग के, ठीक है, 50 रुपये नहीं, 150 काटोगे मेरे। तो मिलते हो आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, और ta